नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इस बुक से, जो कि बुक कौन सी है, 10,000 क्वेश्चन वाली बुक है। इसमें आपको 10,000 जो कि साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कंप्यूटर, सब तरह के 10,000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो इस वीडियो का लिंक किसी भी 5 ग्रुप में शेयर कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक जनरेट हो जाएगा और उस लिंक पर क्लिक करके आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो साथी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विश्व व्यापक जाल WWW के आविष्कारक या प्रवर्तक कौन है। तो बिल्कुल सा आसान सा क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं हम। इसके आविष्कारक कौन है, टिम बर्नर्स ली। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, तो ये क्यों है, हाइपर मीडिया सिस्टम क्यों है। तो ये है क्योंकि एक दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, WWW की फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो वो हो जाएगी वर्ल्ड वाइड वेब। ये वे क्वेश्चन है जो आपके किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आविष्कारक पूछे गए WWW के, तो टिम बर्नर्स ली है और इसका पूर्ण रूप भी हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। जो क्वेश्चन रिपीट है उनको मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, तो आप इनको कवर करते रहें। अगला क्वेश्चन है, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं। जो कीबोर्ड का केबल होता है उसको कंप्यूटर के किस पोर्ट पे लगाते हैं, USB पोर्ट पे। अगला क्वेश्चन है, IC के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, IC के वर्गीकरण का आधार क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टरों की संख्या। IC के वर्गीकरण का आधार पूछा जाए तो वो क्या होगा, ट्रांजिस्टरों की संख्या हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो किसी भी 5 ग्रुप में जो कि स्टडी के ग्रुप होने चाहिए, आप इस वीडियो का लिंक शेयर करें और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो आपको PDF का लिंक मिल जाएगा और उस PDF को आप डाउनलोड कर लें। अगला क्वेश्चन है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहते हैं। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। अगला क्वेश्चन क्या है, टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों का आदान प्रदान करने के वास्ते निम्न में से कौन सा आवश्यक है। तो टेलीफोन लाइन की बात की जाए तो कंप्यूटर के आंकड़ों का डाटा आदान प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक है, यह है मॉडम। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः WWW पैकेज विकसित होते हैं, तो ये कहाँ विकसित होते हैं, ये होते हैं HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी। XOR फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी, तो ये होगी 4। मिनिमम कितने नैंड गेट लगेंगे, 4 लगेंगे। आपको ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे, तो आप इनको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, जरूर याद करें। अगला क्वेश्चन है, IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। नेक्स्ट है, ICT का तात्पर्य क्या है, तो ICT की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये हो जाएगी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जाता है। कौन सी फाइल है जिसको ईमेल में अटैच कर सकते हैं, तो ऑडियो को भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी कर सकते हैं और वीडियो को भी कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 1 KB तुल्य होता है, तो 1 KB में कितने बाइट होते हैं ये पूछा है, तो ये होती है 1024 बाइट। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, तो माउस को क्या है, माउस को 2 बार क्लिक करने पे किस पे सूचना जाती है, ये जाती है CPU में।
यदि माउस को हम दो बार क्लिक करते हैं तो सूचना कहाँ जाएगी? सीपीयू में। निम्न में से सबसे तेज़ कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है? इसमें से सबसे तेज़ कंप्यूटर की मेमोरी है वो कौन सी है? तो वो है कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, बिट निम्न में से किसका छोटा रूप है? तो बिट है वो किसका छोटा रूप है? वो है बाइनरी डिजिट का। किसका है? बाइनरी डिजिट का। इंटरनेट कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट कार्य करता है केवल पैकेट स्विचिंग पर। इंटरनेट सिर्फ पैकेट स्विचिंग पर ही कार्य करता है, याद रखें। किस पे काम करता है? सिर्फ पैकेट स्विचिंग पर। अगला क्वेश्चन है, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का सच यानी कि सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? जो सेट ऑफ रूल्स है वो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाएंगे आपके प्रोटोकॉल्स। यदि बात करें डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का सच होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। अगला क्वेश्चन है, बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है? इनमें से कौन सी भाषा है जो बेसिक है? तो वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और प्रोसीजनल भी है, तो दोनों है जो आपकी बेसिक लैंग्वेज हो जाएगी। इंडेक्स होल संबंधित है, इंडेक्स होल है वो किससे संबंधित है? तो वो है फ्लॉपी डिस्क से। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है, तो इस जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो किसका प्रकार है? वो है इम्पैक्ट प्रिंटर का। निम्न में से कौन सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का कोड है? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री का कोड पूछा जाए तो वो है 5211 कोड, 5211 कोड। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो बात करें फिजिकल और नेटवर्क लेयर, तो इसके बीच में पाई जाती है वो होती है डाटा लिंक लेयर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, सत्य पूछा है तो क्या है? मॉडर्न एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो मॉडर्न का क्या काम होता है? एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ये तो आसान सा क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो का MP3 किस प्रकार का होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट का जो MP3 होता है वो किस प्रकार का होता है? वो होती है एक फाइल होती है। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? तो बेसिक फंक्शन की बात की जाए तो उसको नियंत्रित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा समझते हैं खत्म हो जाता है? तो यदि कंप्यूटर की पावर को बंद करते हैं तो किसका डाटा खत्म हो जाता है अपने आप? तो ये होता है रैम का। वही युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता में भेजा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म पूछी जाए तो वो होती है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, ये भी आप साथ में याद रखें। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में प्रविष्ट करने की युक्ति क्या कहलाती है? तो ये फिर से सेम क्वेश्चन है, मॉडम कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, मॉडम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है किसको? तो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। मॉडम किसको जोड़ती है? टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति का या व्यवस्था जोड़ती है? तो माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से अभी अभी हमने पढ़ा है, ये मॉडम ही जोड़ेगी। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को तथा कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पे संप्रेषित करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे मॉडम कहते हैं। क्वेश्चन सेम ही है लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा गया, तो इसको समझने की कोशिश जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पर विचार करें। तो इसमें विचार करें, ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, गलत क्वेश्चन टाइप का है तो इसको हम छोड़ देते हैं। किस पे विचार करना है इसके बारे में कुछ सही समझ से नहीं दिखा रहा जी। आगे क्या है, गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड का प्रचालन कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, सॉरी इसमें बीच में मिस्टेक है, इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति बैंड का संचालन कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन है देखो, ठीक है समझ में आ गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट क्या है इस पे विचार करें बोला गया है। तो ये चार आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा है जो कि 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति बैंड पे काम कर सकते हैं ये पूछा गया इसमें। तो ये कौन कौन से है, ये ब्लूटूथ उपकरण भी है, तार रहित फोन भी है, सूक्ष्म तरंग भी है और वाईफाई उपकरण भी है। तो ये सारे हैं जो इस पे प्रचलन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बेतार प्रौद्योगिकी के जीएसएम कुल में से नहीं है? तो कौन सा इसमें से जो जीएसएम कुल में से नहीं है, एलटीई है, ईडीजीईएफ जो कि 2G से पहले चलता था, और ये भी है ईडीजी एलटी, इसमें एलटी भी आ गया, लेकिन डीएसएल है वो नहीं है। आवासीय निजी परिपथ यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में पूछा गया है। तो ये क्या है, तो इसमें सारे ऑप्शन हैं जो गलत दे रखे हैं। देख लेते हैं अगले वाला क्वेश्चन, निकट क्षेत्र संचार यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन जिसे हम एनएफसी भी बोलते हैं, इस प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछा है इसमें एनएफसी के बारे में, तो इसमें से सही कौन सा होगा ये बताना हमें। सबसे पहले है कि ये एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्र का उपयोग करती है। दूसरे नंबर पे क्या है, एनएफसी एक युक्तियों या डिवाइसेस द्वारा उपयोग के लिए अलकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर ही स्थित होती है, ये भी सही है। तीसरे नंबर पे क्या है, संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी कोडीकरण एन्क्रिप्शन का उपयोग कर सकता है। तो ये इसमें गलत हो जाएगा, एक और दो नंबर है जो इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कभी कभी समाचारों में दिखने वाले डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? जो डिजी लॉकर कई बार आप न्यूज़ में देखते हैं, तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो पहले नंबर पे क्या दे रखा है, यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्या है, यह आपके दस्तावेजों तक आपकी पहुंच को संभव बनाता है चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो, तो ये दोनों इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग पूछा है कौन सा है, तो ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी के भाग कौन कौन से हो जाएंगे, लॉगिन भी हो जाएगा, प्रोटोकॉल भी हो जाएगा और आरती भी हो जाएगा, इसके चार ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखा है उसके कारण दे रखे हैं, तो इसके बारे में बताना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत ही तेजी से क्रियाकलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनाती जा रही है, कारण क्या है, सॉफ्टवेयर देश के महत्वपूर्ण निर्यात में से एक है और भारत का हार्डवेयर में बहुत सशक्त आधार है, तो इसके बारे में बताना है हमें। तो इसमें क्या है, ए तो सही है लेकिन आर गलत है, इसका कथन है वो सही है कि सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत ही तेजी क्रियाकलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनाती जा रही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसका कारण इस कारण से जो है महत्वपूर्ण नहीं बना रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहले नंबर पे देखते हैं हम, पहले नंबर पे क्या दिया है, स्मार्ट पत्रक यानी कि कार्ड होता है, एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें एक सूक्ष्म चिप या माइक्रोचिप लगी होती है, तो ये सही बात है, ये एक प्लास्टिक कार्ड होता है और इसमें एक माइक्रोचिप लगी होती है। दूसरे नंबर पे क्या है, अंकीय प्रौद्योगिकी यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्यतः नवीन भौतिक संचार माध्यम जैसे उपग्रह एवं तंतु प्रकाशिक संचरण के लिए होता है, तो ये भी सही है। तीसरे नंबर पे क्या है, अंकीय लाइब्रेरी यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी एक संगठित इलेक्ट्रॉनिक रूप से
प्रलेखों का संग्रहण करती है जो केवल इंटरनेट पर उपलब्ध होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।